छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने चुनाव परिणामों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भानुप्रतापपुर में बीजेपी पीछे है, जबकि गुजरात में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलेगी। गुजरात में 27 साल से भाजपा सरकार, हिमाचल में ट्रेंड के अनुसार परिणाम है। हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर फूट डालो शासन करो का आरोप लगाया। उन्होंने आरक्षण विधेयक और नेताओं पर लगे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। लगभग पूरे ट्रेंड यदि देखेंगे देश का, तो मुझे लगता है कि पिछली बार जो है वो लगभग उस ट्रेंड में चुनाव जा रही है। भानुप्रतापपुर हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छा प्रयास भी हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन हम आगे नहीं हुए, पिछड़े हुए हैं। प्रयास करते हैं कि अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि क्या स्थिति बनेगी। दूसरी बात, गुजरात के मैं कह सकता हूं कि एक जो शिकस्त कांग्रेस को मिली है, मतलब करारी हार कहा जा सकता है इसको,